गुड मॉर्निंग गाइस, अब निकलते हैं अपने चक्राता टू दिल्ली 4.5 घंटे में, और हवा सही लगेगी। और भाई क्या मौसम हो रहा है यहाँ पे, मस्त एकदम। सुबह बहुत अच्छी निकली है, धूप धूप पूरी है, तो मेरे को लगता है गर्मी मिलेगी नीचे भर के, बट कोई नहीं, देख लेंगे। कल बारिश देखी थी, आज गर्मी देखी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मोटर राइड ब्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, थोड़ा लेट कर दिया। यहाँ से पेट्रोल पंप के लिए जाना है अपने को, अभी ऊपर ही जाएंगे चक्राता की साइड ही, इसलिए मैं आराम से ही खींचूँगा इसे। और यार पहाड़ों की मॉर्निंग बहुत बढ़िया होती है। तो यहाँ से निकल चुके हैं अभी चक्राता से, सुबह के बज रहे 6:30, और हम मिलेंगे, पहुँचेंगे मतलब 6:30 के आधा घंटा 3-4 वही 11-11:30-12 बजे मैक्सिमम घर पहुँचना है, और ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से पहुँच जाएंगे। और अब तुम्हारा भाई प्रो हो चुका है यहाँ पर चला चला के कल 4-5 बार अपहिल डाउन हिल कर लिया इसका, तो अंदाज़ा लग गया है। और भाई बाइक ने जो परफॉर्मेंस दिया इस जगह पे, भाई मज़ा आ गया, अब नहीं डर लगता भाई इस बाइक को कहीं भी लेके जाने में। तो मौसम बढ़िया होने वाला है, फुल धूप, गर्मी होगी, जितना नीचे उतरेंगे पहाड़ से उतनी गर्मी मिलेगी। ये देखो भाई टावर लगा हुआ है यहाँ पे अपना एयरटेल का, तो सिग्नल सही आ रहे थे, और कहीं सिग्नल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सिग्नल थे। भाई नीचे गए टाइगर फॉल में, वहाँ तो सारा नेटवर्क ही बंद हो गया। और सूरज देवता फुल प्रकोप में अपनी, तो आज जुलूस निकाल सी जहाँ तक मेरे को लगता है। व्यू पॉइंट देखो भाई साहब, ये भाई मॉर्निंग में तो अलग ही लग रहा है, ये देखो गजब भाई गजब। कल यहाँ धुंध वगैरह थी और आज कुछ नहीं है, आज पूरा साफ है। वो गहरा कितना है भाई साहब, और आज तो मुझे इसी साइड से लाना है, तो और डर लगेगा। आज कैमरे पे नहीं ध्यान देंगे भाई, अपना ड्राइव करेंगे, क्योंकि अपनी वाली साइड खतरनाक वाली साइड है। और यहाँ पे जब भी बाइक उतारो डाउनहिल पे उतारो, मतलब गियर डाल के तेज स्पीड, मतलब 20 पे चाहिए तो सेकंड गियर डाल लो और थोड़ा सा ब्रेक दबा लो, बस सामने वाला नहीं बैक पीछे वाला, कभी हरी पड़ जाओ। सो डाउन हिल अच्छा होता है, 14 किलोमीटर हो गए। एक और यू बैंड, और नज़ारा आप देख सकते हैं क्या बढ़िया नज़ारा है। ये बेसिकली एक छोटा सा पहाड़ है जिसके ऊपर इन्होंने अपना कैंप बना रखा है, इससे ऊपर भी एक और है, और वहाँ मेरा मन नहीं करा कल जाना है, कल बारिश हो गई थी ना जाता मैं। और बताना भाई कैसी लगी वीडियो पूरा, इसमें आपको कितना खर्चा आया, सब कुछ मिलेगा कॉस्ट एक्सपेंस वगैरह, कैसे जा सकते हो, कहाँ से जा सकते, कौन सा रास्ता बढ़िया है, वो सब मिलेगा आपको। और गाय मैं तो बकरी दिखी थी यहाँ पे बस। ओहो धूप धूप धूप, यहाँ तो बढ़िया लग रही क्योंकि हवा ठंडी है, इसी को उस हाईवे पे जाएंगे ना चाटे मारेगी ये। खाई तो भाई पूरी है यहाँ पे, ओ भाई साहब कल भाई यहाँ क्या वेदर था, पूरे में बादल ही बादल उठ रहे थे यहाँ नीचे से ऊपर, शॉर्ट्स डाले थे मैंने, और पूरा डाउन हिल है ये डाउन हिल पटाखे छोड़ रही है अंडर अब यहाँ से अपील होएगा यार, अपील चल जाएगी। अबे 4 पॉइंट आ गया तेल भाई, इनका कुछ नहीं पता आ रही वालों को, अब तक ठीक नहीं करा इन्होंने। अब हो गया मेन हाईवे, अब चलेंगे ध्यान से। ये देखो और आज थोड़ा अलग व्यू एंगल मिलेगा आपको, कल आपने उधर से आते हुए देखे थे पहाड़, अब यहाँ से खाई की साइड से जाना पड़ेगा तो वहाँ से दिखेंगे।
मैं थोड़ा ज़्यादा उधर चलाऊंगा नहीं, इधर ही रखेंगे। ये देखो भाई, हवा एकदम ठंडी लग रही है भाई साहब। रात में ठंड हो गई थी, वो पहनी क्या कहते हैं अपनी जैकेट, जैकेट नहीं कंबल ओढ़ के सोए थे। प्यास लगी अपनी बाइक को, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे। और जो जाने आने की वीडियो वो उस यहाँ तक की पहाड़ों तक ही रखेंगे, आगे तो नॉर्मल रोड ही है, थोड़ा थोड़ा बाइक डाल दूँगा मैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं, क्योंकि देखने वाली चीज़ यही है नीचे, तो भाई क्या मिलेगा। चक्राता 7 किलोमीटर, इनका डिस्टेंस अलग दिखाता है और हमारे डिस्टेंस में अलग दिखाता है। सुबह भाई बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, ये अच्छी बात है। मैं अगर अब तक पेट्रोल भरा के निकल चुका होता वो भाई उठ जाता सुबह जल्दी। कोई नहीं, दुरुस्त आए, अभी पहले पेट्रोल पंप पहुँचते हैं, देन इसको फुल टंकी फुल कराते हैं और फिर निकल जाएंगे अपने आगे के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा डिटूर करना पड़ेगा। डिटूर करेंगे तभी कुछ होगा। यहाँ से भाई व्यूज़ तो काफ़ी है, देखो उस वैली पे ऊपर से हम नीचे आ गए, क्या आप मज़े दिलाती है बाइक। इसका लो एंड टॉर्क देना, चौथे गियर पे चला रहा हूँ मैं, और अपील होगा और बड़े प्यार से चढ़ जाएगी, लो कितना अपील है और आराम से जाएगी ये। थोड़ा सा नीचे करा क्योंकि मुझे आगे से गाड़ी वाड़ी ना आ जाए इसलिए। ये देखो भाई साहब कितने ऊपर है पहाड़ी, ये मैं भाई पूरी मुंडी ऐसे घुमा दी तब भी नहीं दिख रहे यार। ये व्यू कितना बढ़िया आ रहा होगा होटल का, होटल बड़े सही सही है यहाँ पे, कितने होटल हैं, आपको वो नहीं दिख लगेगा कुछ कि नहीं मिलेगा होटल, होटल आराम से मिल जाते हैं। ओम सूर्यदेवाय नमः। अब कर लिया अपना वाइजर क्लोज क्योंकि धूप आने लग गई है, और यार इतनी क्लियर वो है ना यहाँ की हवा, मज़ा आ गया। और मैं अभी यहाँ से जाना है चक्राता, चक्राता से थोड़े सी नीचे आ गए थे हम। चक्राता में भाई खूब बारिश थी, वहाँ पे क्या होता है धुंध धुंध हो जाती है, फिर वहाँ कुछ ना व्यू दिखे ना कुछ, अंधेरा अंधेरा। इससे बढ़िया थोड़ा नीचे रुको, जाओ चक्राता घूम फिर के आओ, कोई दिक्कत नहीं। ये अपील स्टार्ट हो गया, ये देखो क्या वैली का वो बना हुआ है शानदार। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब मत ठोकना मत भूले। आज थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने पैकिंग सी में, ये अपना आगे घुसा दिया तो थोड़ा जगह कम हो गई, अभी करेंगे इसको ठीक। मैं इसमें जैकेट पहन के आया था अंदर, मेरे को ठंड लगेगी बट ठंड लगी नहीं। अरे वाह क्या जगह होटल है भाई साहब, मस्त यहाँ से सनराइज़ कितना मस्त दिखेगा। साइड में तो खाई खाई है, यहाँ तो मोमेंटम से चढ़ जाएगी। ओ भाई ये तो है जो बिना हॉर्न के आ रहा है ये, इसलिए थोड़ा सा कंसियस रहता हूँ मैं भाई, हॉर्न दे देता हूँ मैं, चाहे सुबह का टाइम है खाली है बट ट्रैफिक आने लग गया अब। अरे वाह, बट पहाड़ों का ये है बोर हो जाते हैं जल्दी। 7 बजे दिन छिप जाता है, इंटरनेट मर मर के चलता है, करे तो करे क्या बंदा। अगर इंटरनेट और लाइट की सुविधा हो जाए इधर, लाइट तो सही थी पर वो जनरेटर चलता है। ये वैली है, यहाँ पे सारे गांव के लोग रहते हैं, लोकल लोकल भी बढ़िया है यार, यहाँ का बंदा बढ़िया लगता है मेरे को।
ना कुछ ज़्यादा और ड्रामे करते, रेट जो चल रहा है वही देंगे। और सीज़न है यार इनका, 6 महीने बंद ही रहता है काम, और 6 महीने में कमाते हैं। फिर भी यार अच्छा प्राइस दिया इन्होंने सन माउंट व्यू होटल हॉल में, आई रिकमेंड दिस। और खाना एक नंबर यार, घर की दाल रोटी मिलती है। ओहो 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 भाई साहब, वेदर व्यू देखो भाई, व्यू देखो तुम, मज़ा आ जाएगा। घर बैठ के कॉफ़ी पी रहे हो या खाना खा रहे हो, जिस टाइम भी वीडियो देख रहे हो। तुम्हारा भाई सुबह 6:40 पे चकराता 300 किलोमीटर दूर अपने घर से बाइक चला रहा है। इसलिए ली थी और इसलिए आज ये कर रहे हैं। सेकंड ट्रिप है मेरी, फर्स्ट में धनौल्डी लेके गया था, दूसरी है। इसके बाद देखेंगे एक और ट्रिप बनाएंगे। सो अभी हमें जाना है यहाँ से 9.6 किलोमीटर, तो यहाँ पे सारे आर्मी का कैंप है, वो कंटोनमेंट एरिया है ऊपर, तो बंदे सुबह सही रनिंग करने आते हैं इधर। अरे वाह क्या मस्त घोड़ा है, ये जंगली है, पालतू नहीं है भाई। ये लौंडा इधर घास चढ़ता है, घूमता फिरता दौड़ता है, अपनी मन मर्जी का मालिक है ये। और 360 GB फुल हो चुकी है मेरी, एंड ओहो और सारे घोटे ये आर्मी वालों के मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने उससे बांध रखे हैं, पता नहीं। ये आ गया जगह चक्राता, नहीं यहाँ से सीधे जाना है ऊपर जाते हुए, वो है टाइगर फॉल, ये है मेन हाईवे भाई। और ये मेरे ख्याल से वो है मिलिट्री एरिया है ये। चक्राता 2 किलोमीटर मसूरी 80 मसूरी वसूरी तो घूम रखे हैं, वहाँ कुछ नहीं है, उनसे बढ़िया जगह ये है। सही बताओ भाई, एक तो मसूरी में हर कोई जाता, मसूरी मनाली शिमला, अरे भाई उसके अलावा भी उत्तराखंड में बहुत सारी, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगह है, वहाँ जाओ ना, जहाँ छुट्टी मनाने जा रहे हो वहाँ ही दिल्ली में जैसी भीड़ मिले फिर क्या मज़ा। इससे बढ़िया अपने थोड़ी हट के लोकेशन पे हो, थोड़ा 50-60 किलोमीटर तक गाड़ी ज़्यादा चलानी पड़ जाए, बट फील आनी चाहिए कि हाँ भाई घूमने आए हैं। ये नहीं हो कि यहाँ भी इतने ये नहीं है वो नहीं है, कोरवा पेट्रोल पंप मेरे को तो दिखा नहीं रहा, पेट्रोल पंप जहाँ मैं जा रहा हूँ वही दिखा रहा है, तो न्यू चक्राता वाला। यहाँ के तो बस स्टैंड भी इतने मस्त रहते हैं, पूछो मत। छावनी परिसर चक्राता, सो यहाँ से चक्राता स्टार्ट हो जाता है। एक बार व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, एक फोटो तो बनती है। कल यहाँ रोका था हो भाई साहब, स्लिप कर दाती यहाँ। ये देखो ब्यूटी भाई, यहाँ से देखो कितनी गहरी खाई है, यहाँ से यहाँ तक वहाँ तक वहाँ तक। अब हमें यहाँ से ऐसे घूमते 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 वहाँ जाना है, वहाँ नीचे
तो अभी हम ऊपर हैं और वहां से नीचे जाएंगे। चलिए हाँ ग्रेवल पे, तो भाई बाइक थोड़ा देख के ही खड़ी करनी पड़ती है। और ये भी है छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, तो कई बार घुस जाए टायर में। अब नहीं लगूंगा उधर में, एक्सपीरियंस। देखो आराम से 50-60 चल रही है बाइक, और यहाँ ब्रेक दिए, थर्ड गियर डालेंगे। इंजन ब्रेकिंग बढ़िया है, अगर ये स्कूटी होती ना अभी यहाँ ही पूरी लाल हो रखी होती डिस्क, बट यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई ठंडी हवा है, नाक जम गई एकदम से। अगर यहाँ पे DJI एक्शन कैम 2 होता भाई, वो लगा चेस्ट माउंट पर, बढ़िया व्यू आता। कोई नहीं, धीरे धीरे वो सेटअप अपग्रेड हो जाएगा उसमें ही फिर, क्योंकि तो फ़ोन से सामने का फ्रंट व्यू नहीं हो पाएगा। पर DJI 12,000 रुपये मिल रहा था भाई, वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, अगर दोबारा आएगा तो आई विल बाय इट। फिर फुल फ्लैश सेटअप हो जाएगा फ्रंट का भी, और वैसे भी जब चार भाई साहब का जब चौथे गियर पे बाइक इतना मस्त कर रही है परफॉर्मेंस, पूछो मत। देखो थोड़ा यहाँ से भाई थोड़े थोड़े पत्थर वत्थर गिर रहे हैं, ब्यूटी। अरे वाह, सामने पहाड़ है, बट ये है सामने नहीं देखना, रोड पे देखना है। कई बार क्या, तो बंदा सामने देखता रहता है और भूल जाता साला सीधे चलना है या मुड़ना भी है, खो जाता है पहाड़ों को देखने के चक्कर में। बंदा खोना नहीं है भाई, घर पहुँचना है। सो सामने है लेकिन हम यहाँ देखेंगे। रिलायंस पेट्रोल पंप कोरुआ, वेठे वेठे वेठे। टायर बड़े मस्त हैं जो भी हैं, इतनी ग्रिप रहती है इसमें, स्लिप नहीं करते। वैसे डर्ट के टायर नहीं है, हाईवे टायर्स हैं इसमें। तो हाँ ऊपर से नीचे आया, वो है ऊपर चक्राता, वहाँ से नीचे आया। और ये अपने जंगल मेरे ख्याल से देवदार है क्या है, कोई से पेड़ है, चीड़ के पेड़ हैं जहाँ तक लग रहा है, बड़े बड़े से। जो ये थोड़ी बहुत घास है इसने ये बचा रखे, नहीं तो नीचे आ जाए पहाड़। काफ़ी टाइम ले गया, अभी चल रहे हम 60 पे, ट्रैफिक आएगा सामने से। यहाँ तक तो ठीक है गाड़ी चढ़ाना, बट ऊपर थोड़ा ज़्यादा दिक्कत लगती है जहाँ पे रेलिंग वगैरह नहीं है ना। और सही, और सुबह के लिए सबसे बढ़िया बेस्ट यही है कि आप सुबह सुबह आ जाओ, मतलब ऐसा करो ऋषिकेश रुक जाओ, ऋषिकेश से फिर अगले दिन यहाँ के ले लो। उससे क्या है, जैसे मॉर्निंग में बिल्कुल भी वो नहीं है तो आप ऋषिकेश से निकल लिया 4:30 बजे, 4 बजे निकल लो, 5, 6, 7, 7 बजे आप यहाँ पे होंगे बिल्कुल खाली रोड पे। तो अगर आप वन टाइम माउंटेन पे पहली बार आ रहे हैं चलाने गाड़ी से अपनी, तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा। नहीं तो जो लोकल ड्राइवर वगैरह होते हैं जब ट्रैफिक लग जाता है भाई, अंधी चलाते हैं अंधी, उस टाइम आपको लगेगा भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती है, इसको नहीं आती, आपको नहीं आती भाई, आप पहली बार आए पहाड़ों में, उसको तो आती है वो डेली चलाता है और चलती भी ऐसी है यहाँ पे। अगर वो ऐसे स्लो स्लो चलाएगा ना तो उसका इंजन क्लच प्लेट सब बोल जाएगा, क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ता है उससे,
पहले मैं भी यहाँ पे 20-30-30 चला रहा था, फिर देखा भाई हीट हो रही है, इस क्लच प्लेट थोड़ी सी स्मेल सी आने लगी, मैं कहा नहीं भाई मोमेंटम में चढ़ानी गाड़ी, और इधर फिजिक्स कहती है। तो देखो आ गए नीचे, ऊपर वाले पहाड़ से नीचे, वहाँ थे हूँ टॉप पे, अरे वाह ये भी देखो क्या भाई साहब गजब। एक मेरी बाइक में पेट्रोल है, इसके यहाँ कभी दो डंडे आते हैं कभी तीन आते हैं, तो मुझे लग रहा है दो ही है, और पेट्रोल पम्प भी आने वाला ही है बस। ये आ गया डिफेंस लैंड, अरे देखो कितना बढ़िया प्रशासन यहाँ का, वो सब लगा रखे हैं वहाँ पे कि कहाँ से क्या है। आगे दिख गया पेट्रोल पंप का साइन आ गया, बस वहां से भराएंगे और देन वी विल गुड गो। HP पेट्रोल पंप बढ़िया भाई, तो भाई 520 रुपये डलवा दिया। अब ये 70 किलोमीटर, तो देखो इसमें 70 भी क्या, 210 किलोमीटर है बस, थोड़ा सा ठंडा है गया, फिर तो भाई गर्मी गर्मी है, और मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसके बाद नहीं है यहाँ कुछ भी, उसके बाद तो भाई प्लेन प्लेन है, फिर तो खेचम खेच जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रिप करेंगे बीरबिलिंग की, वहाँ पे जाना है एक बार देखना है। अब देते हैं हंटर 350 का माउंटेन में रिव्यू, कैसा रहेगा अगर लॉन्ग टूर करना चाहते हैं, कैसे रहेगा इसका माइलेज, परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आया हूँ चक्राता में, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मैंने चढ़ा दिए, अब डाउनहिल चल रही है, परफॉर्मेंस गाड़ी का एक नंबर, ब्रेकिंग लाजवाब है, डुअल चैनल ABS अपना बढ़िया काम करता है, कहीं पर भी आपको ऐसे लगता है कि ब्रेकिंग लगेंगे, हर जगह ब्रेक लगते हैं, और इंजन ब्रेकिंग भी कामयाब है, ऐसा नहीं है कि आप डिस्क ही लगा रहे हो अप डाउन हिल में, इंजन ब्रेकिंग का भी यूज़ करना पड़ेगा नहीं तो डिस्क हीट हो जाएगी। और लो एंड टॉर्क गजब, तीसरे चौथे पे बड़े प्यार से चलेगी यहाँ पे बाइक आपकी, कभी दिक्कत नहीं देगी, और मज़ेदार एकदम मस्त चलेगी बाइक, परफॉर्मेंस बढ़िया, और जो कहते हैं ना लो ग्राउंड क्लियरेंस है भाई, एक यहाँ पे जाके टाइगर फॉल करके वो है जगह, वहाँ पे भाई फुल्ली ऑफ रोडिंग है, मतलब पत्थर है, कल मैं वहाँ पे चढ़ा के लाया उस बाइक को और कुछ नहीं, एक जगह नहीं टिकी और चढ़ती चली गई भाई, सेकंड गियर पे चढ़ाई है, फर्स्ट पे भी नहीं, तो वो अपील करिए, बहुत बढ़िया। अगर आप का बजट है 2.3 लाख में तो उठा सकते हो इस बाइक को, नहीं तो बिल्कुल ही ऑफ रोड, बस ये है थोड़ा सा जहाँ पे एक्सट्रीम होगी वहाँ टिक जाएगी, जैसे लद्दाख स्पीति वगैरह जाओगे आजकल जैसे रोड हो रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे टिक जाएगी ये, वहाँ के लिए थोड़ी ऊंची बाइक ले लो, एक वो आती है 200 सुजुकी वाली स्टॉर्म, वी स्टॉर्म, वो भी अच्छी बाइक है, इम्पल्स है, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, और एक अपनी वो आई है ट्रायम्फ की स्कैम्बलर एक्स, वो भी बढ़िया बाइक है, उसकी ब्रेकिंग कुछ खास नहीं है, ये पहले बताता हूँ, ब्रेकिंग खास नहीं है, उसके अलावा सब बढ़िया है, पहाड़ देखो तुम। तो यहाँ पे कुछ फ्रंट POV ले लेते हैं इसमें अपने कैमरे में लगा के।